हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूरॉन, उसको पढ़ाऊंगी। जो न्यूरॉन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिना न्यूरॉन का टॉपिक कंप्लीट करे आपका सिलेबस कंप्लीट हो नहीं सकता है। तो न्यूरॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए जो इस टॉपिक के नोट्स होंगे ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट जरूर कर लेना। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले देखो, इधर आपको न्यूरॉन का डायग्राम दिख रहा होगा। न्यूरॉन का जो डायग्राम है ना, जो स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप देखोगे तो आपको एक पेड़ जैसा लग रहा होगा, आपको देखने से लग रहा होगा ना, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है पेड़ का, जो बीच का हिस्सा होता है और जो इसकी जड़ें होती हैं, कुछ वैसा सा आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। जो न्यूरॉन का टॉपिक है उसे आप बहुत ही सीरियस लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरॉन की डेफिनेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो लिखा हुआ है, न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो न्यूरॉन है वो फंडामेंटल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है। जो सिग्नल हमारे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं ना, जैसे आपको जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं वहाँ से आप कुछ मैसेज रिसीव करते हो, तो आपके ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है? आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए। जो एक बात और ध्यान रखना कि जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में अंतर होता है। लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है। जैसे सपोज दैट कि मैं बोलूं बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है, लेकिन मैं बोलूंगी कि जो लाल किला है वो बहुत ही बड़ा है। तो जो लॉन्गेस्ट सेल है वो क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि सॉरी न्यूरॉन। और जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का, वो है हमारा ओवम, जो कि फीमेल की ओवरी से जो एग रिलीज होता है ना, वो उसे कहते हैं ओवम या फिर एग कह सकते हो आप। तो लार्जेस्ट सेल क्या है? ओवम। और लॉन्गेस्ट सेल क्या है? हमारा नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन। और स्मॉलेस्ट सेल क्या है? जो मेल का स्पर्म होता है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा सेल होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक फंडामेंटल यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम का, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है सिग्नल्स को, मैसेज को ट्रांसफर करने में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, आपको इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है एग्जाम में। अब देखो, सबसे पहले अगर आप देख लो ना, जो टॉपिक्स जो नाम लिखे हुए हैं, यही नाम लर्न कर लो, आप बहुत इजीली आप अपने न्यूरॉन को एक्सप्लेन कर पाओगे। देखो सबसे पहले डेंड्राइट लिखा हो, जो कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो बहुत सारी दिख रही है शाखाएं निकली पड़ी हैं ऐसे ऐसे, उन्हें क्या कहते हैं? हम डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद जो ये हिस्सा है इसे कहते हैं हम सेल बॉडी, और बीच के हिस्से को जो डार्क कलर का दिख रहा है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। देखो डेंड्राइट्स हो गया, ये आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसे कहते हैं हम सोमा। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। उसके बाद जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम एक्सॉन। ये जो पूरा हिस्सा, इसे कहते हैं हम एक्सॉन। उसके बाद जो ये हिस्सा दिख रहा है, इसे कहते हैं माइलिन शीथ। उसके बाद जो बीच का ये जो गैप है, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और जो जब खत्म हो गए ना, तो देखो ये एक्सॉन यहाँ पर अगर खत्म हो गए, इसे हम इसे एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? जहाँ पे खत्म, जो चीज़ खत्म हो रही हो। तो ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन का टर्मिनल है, या फिर इसे आप नर्व एंडिंग भी कर सकते हो, नर्व एंडिंग भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि जो न्यूरॉन होता है वो हमारा जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो ये एक नहीं होता ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट सेल भी है। जब इतने ज़्यादा हैं तो ये जॉइंट कैसे होते हैं? अब देखो, जैसे एक हमारा ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो ये हिस्सा है ना, वो किसी और न्यूरॉन का यहाँ पे अटैच होगा, फिर उसके नीचे एक और अटैच होगा, उसके नीचे एक और अटैच होगा। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं, डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उनका लोकेशन क्या है। तो न्यूरॉन के टाइप्स भी होते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेंड्राइट्स, क्योंकि मेनली न्यूरॉन को तीन स्ट्रक्चर में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला डेंड्राइट, दूसरा एक्सॉन, और उसका तीसरा उसका जो टर्मिनल होता है। ठीक है, और सेल बॉडी भी उसकी, मतलब आप ये कह सकते हो डेंड्राइट, सेल बॉडी और उसका एक्सॉन। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डेंड्राइट क्या होता है। दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन। कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डेंड्राइट होता है वो कैसा होता है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का होता है, जो जिसका काम क्या होता है? दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को रिसीव करना। आप खुद देखो ये आपको कैसा दिख रहा है, कि यहाँ से कुछ कुछ क्या होगा? रिसीव होगा, रिसीव होकर यहाँ पर आएगा। तो डेंड्राइट्स काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को रिसीव करना। देखो लिखा हुआ है, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू दी सेल ऑफ बॉडी, सेल बॉडी। ठीक है,
किसका काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करता है और सेल बॉडी तक उस मैसेज को ट्रांसफर करता है। उसके बाद क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे अपनी सेल बॉडी को। एक हमारा हिस्सा ये हो गया डेंड्राइट्स, दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा हो गया सेल बॉडी। अब सेल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, करें ईच न्यूरोन हैज सेल बॉडी, सभी न्यूरोन के पास क्या होता है सेल बॉडी। सभी न्यूरोन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तो बिलियंस ऑफ न्यूरोन है, दूसरा टाइप्स ऑफ न्यूरोन है, तो सभी न्यूरोन के पास क्या होता है उनकी सेल बॉडी होती है, जिस सेल बॉडी में उनका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखो ईच न्यूरोन हैज सेल बॉडी विथ न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, गॉल्गी बॉडीज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा हुआ है, तो ER होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा काम हमारा न्यूरोन करता है तो उसको एनर्जी चाहिए ही, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और बाकी अदर कॉम्पोनेंट्स भी इसी सेल बॉडी में ही होते हैं, बाकी और जगहों में अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एक्सॉन, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है हमारा क्या है एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के बारे में पढ़ते हैं, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन टर्मिनल दैट पास द इंपल्स टू अनदर न्यूरॉन। अब देखो बहुत ही ध्यान समझो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो कह रहा है जो ये एक्सॉन है इसको मैसेज कहां से आता है सेल बॉडी से। अब सेल दो, सबसे पहले क्या हुआ था डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव किया, उसने किसको भेजा हमारे सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने किसे भेजा एक्सॉन को। अब एक्सॉन के जो टर्मिनल है ना, यहां से जो एक्सॉन होगा अपने मैसेज को छोड़ देगा, उसके बाद एक और न्यूरॉन अटैच होगा, फिर उसके डेंड्राइट से होते हुए उसके सेल बॉडी में आएगा, फिर उसके एक्सॉन में आएगा, फिर उसका एक्सॉन छोड़ देगा, फिर तीसरे में आएगा, ऐसे करके जो आपके मैसेज होते हैं ना वो आपको वो ट्रांसफर होते रहते हैं लगातार आपके हर एक न्यूरॉन से। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप्स के होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर टाइप्स हैं तो उनके काम भी क्या होंगे अलग अलग होंगे, तो अगर कई टाइप्स हैं तो उनके काम भी क्या होंगे सबके काम अलग अलग होंगे। अब देखो लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे हम, एक सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन होगा बेसिकली तीन टाइप्स का होगा, एक सेंसरी न्यूरॉन होगा, दूसरा मोटर न्यूरॉन और तीसरा इंटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसका मेन काम होता है कि वो क्या करता है सिग्नल्स को या फिर इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करने का काम कौन करता है सेंसरी, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं तो आप सेंस ऑर्गन से ही तो मैसेज रिसीव करते हो ना, बाकी ऐसा कोई सोर्स है आपके पास क्या बिना सेंस ऑर्गन के कि आप वहां से कुछ मैसेज रिसीव कर लो, नहीं ना, हम आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, टेस्ट हम अपनी जीभ से लेते हैं, टच को हम अपने स्किन से फील करते हैं, इन्हीं सबसे क्या करते हैं मैसेज को रिसीव करते हैं, तो जो इनसे जुड़े होते हैं वो हमारे कौन से न्यूरॉन होते हैं सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन में ये कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा लिखा हुआ है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन में क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स, कि जैसे मान लो कि हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, टच कर रहे हैं, कुछ भी कुछ हमको फील हो रहा है, तो सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है हमारा ब्रेन करता है, तो ब्रेन कुछ आपको कमांड देता है कि भाई तुम्हें ये करना है, तो वो जो सिग्नल होता है ना वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू हमारे मसल्स तक आते हैं, फिर हमारे मसल्स उस वे में कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं, जो भी सपोज कुछ भी हम टच कर रहे हैं तो टच करने के बाद ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि ये सामान है, हम कुछ देखते हैं तो ब्रेन बताता है ये सामान है, तो जिस बिहेव में जिस वे में हमारे मसल्स रिएक्ट करते हैं उस सिग्नल पे वो किसके थ्रू कर रहे हैं हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू, क्योंकि मोटर न्यूरॉन ही ब्रेन से सिग्नल लेकर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा हुआ देखो इंटर न्यूरॉन, ये एक तरीके का आपको नाम से पता चला जंक्शन है जो कि इन दोनों न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट का काम करता है। देखो लिखा हुआ है दे हेल्प इन पासिंग सिग्नल्स बिटवीन टू न्यूरॉन, कि उन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल पास होते हैं उनके बीच में ये एज कोऑर्डिनेट कह लो या फिर एक जंक्शन की तरह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक, जिसमें आपने न्यूरॉन के डेफिनेशन पढ़ा, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने उसके टाइप्स पढ़े और आपने उसका डायग्राम पढ़ा, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश बहुत जल्द करूँगी, और बाकी अगर आपको उसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।